आज हम पढ़ेंगे एनएलएम। हालांकि इसका एक छोटा पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रेंट। आज हम पढ़ेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सब लोग जानते हैं न्यूटन साहब को एप्पल गिरा था, लॉ बना दिए थे, उसी बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम जो चर्चा करेंगे वो होगी फोर्स की। किसी चर्चा होगी फोर्स की। आप जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं वो है काइनेमेटिक्स। क्या है काइनेमेटिक्स? हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अरे ये वेलोसिटी लाता कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन लाता है? जब हम पुश करते हैं। ये पुश क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। अच्छा, जो हम ऐसे लगाते हैं उसे फोर्स कहते हैं। हाँ, उसी की वजह से एक्सेलरेशन आता है, उसकी वजह से वेलोसिटी आती है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आता है, उसकी वजह से डिस्टेंस आती है। वही सब चीजें जो हम पढ़ी थी, बेसिकली जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, वो आता किसकी वजह से? फोर्स। किसकी वजह से? फोर्स। अच्छा, इस फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई? सबसे बेसिक बात, छोटी छोटी चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? साइंटिस्ट जो अपने न्यूटन थे उन्हीं के नाम पे इसे न्यूटन रखा गया। इसकी एक और यूनिट होती है, ये इसकी एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। यूनिट डायमेंशन में जो अपने सीखा था, इसकी एसआई यूनिट है। अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है डायन। वो वाली डायन नहीं। अच्छा, रिलेशन क्या है? 1 N = 10^5 डायन। ठीक, ये इसकी यूनिट है। ये इसकी क्या है? यूनिट। हर चीज को नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए, तो ये फोर्स की यूनिट है। अच्छा, बेसिक बात जो दूसरी आती है, वेक्टर है कि स्केलर है भाई? ये वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो क्या दो बातें इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। पर अगर मैं फोर्स में बात करूं तो हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है। वेक्टर से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो आ ही जाता है कि इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है। सोचो मैं इस चीज पे कोई भी ब्लॉक ले लूँ और उस पर फोर्स ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, एक बात की अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। डायरेक्शन मैटर करती है। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो चलेगा, पर ऐसे लगाऊं तो ये नहीं चलेगा, ऐसे लगाऊं तो ये नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये तो वेक्टर की कंस्ट्रेंट हो गई। फोर्स को तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 इज द डायरेक्शन, 2 इज द मैग्नीट्यूड एंड 3 इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या चीज? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये बात वैसे अपन पढ़ेंगे रोटेशन में। कहां पढ़ेंगे? रोटेशन में। मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूं, ऑल दो ये सब रोटेशन में पढ़ाया जाएगा, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपने को दो चीज़ों से इंपॉर्टेंस होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जैसे एक चीज़ है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ, चल रही है पक्का? वही उंगली, उतना ही फोर्स, उतना ही सब कुछ। यहाँ लगाऊँ, चलेगी? घूमी? घूमी। क्या चेंज करा मैंने? फोर्स की डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, तो क्या चेंज करा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर घुमाना इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट? घुमाना, जो बाद में सर्कुलर और उसके नाम से पढ़ेंगे। तो अभी हम इसमें बहुत चर्चा नहीं कर रहे, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स अबाउट द फोर्स? अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे फोर्स को पूर्ण रूप से जाने तो उसकी तीन बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। पर जो अभी हम पढ़ेंगे एनएलएम, उसमें हमारा दो से ही काम चल जाएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात भाई। अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, बाकी आपको समय के साथ ही वो समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपको पूरी 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से पढ़ाया जाता है, वो वाला फोर्स है। इस टाइप का फोर्स, बेसिक फोर्सेस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना हो, सुना है क्या कभी ग्रेविटेशनल फोर्स? जो हमारी धरती, अर्थ, सन सबको जोड़े हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r2। और ये कभी सुना हो तो Kq2/r2, ILB, उस टाइप के फोर्सेस। इन पे कोई अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे, अलग अलग नाम दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? इस यहां से हमें भी लेना देना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें अभी बात करेंगे हम एक और फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जो आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें पढ़ोगे? मॉडर्न। तो ये अपने आप में 4 महीने
ये 5 लेक्चर, ये अपने आप में कम से कम 12 लेक्चर, ये अलग अलग टाइप हैं फोर्सेस की। क्या है टाइप? पर हमारे जो अभी एनएलएम चैप्टर में आएंगी वो सब ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आएंगी। इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर दें, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड टेंशन। ठीक है, ये अभी हम मेजरली पढ़ेंगे। क्या क्या? नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड टेंशन। तो अभी मैं इन्हीं पे बात करूंगा, इन पे बात करने वाला नहीं हूं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीन को पॉज करो 2-3 मिनट और उतार लो सब कुछ। चलो भाई, ये तो हमने बात कर ली कि अपन जो है 3 टाइप के फोर्सेस अपने को पढ़ने हैं, उनका इफेक्ट पढ़ना है, ये पढ़ना है। बट वो फोर्सेस के बारे में तो हम पढ़ लेंगे, बट हम बेसिक जो न्यूटन साहब के नियम हैं उनको अपन पढ़ लेते हैं। बेसिक 3 नियमों को एक साथ पढ़ लेते हैं, बाकी चर्चा में फिर उनकी बहुत डिटेल में आपसे करूँगा हर एक चीज़ पर। पहले अपन लिखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बहुत बेसिक लॉ लिखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखो। सिंपल, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, then it will continue, then it will continue in rest or in motion same as before। अगर बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो कोई बहुत खतरनाक लॉ नहीं है, ये वही लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। बेसिकली कहता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगाऊं तो अगर बॉडी वो रेस्ट पर है, कैसे है रेस्ट पर, इट विल इन रेस्ट, कोई इसे नहीं हिलाएगा ना कुछ होगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इट रिमेन इन सेम मोशन, इन सेम मोशन जब तक कि उस पर नेट फोर्स 0 है। ये न्यूटन साहब का पहला नियम था, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में भी देखा जा सकता है ना। तो ये बेसिकली सिंपल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल, कोई खास बात नहीं है, आप सब लोग इसे जानते हो, फिर भी एक बार और जानना अपना धर्म है जो मैंने आपको बताया। चलो आओ और सिंपल सी बातें करते हैं। सेकेंड लॉ, पहले अपन तीनों लोग लॉ बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। लिखो न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन, एक बार बेसिक थ्योरी थोड़ी सी खत्म कर देते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर स्टेटमेंट वाइज बात करूं तो न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एफ बराबर dp/dt। अरे ये क्या चीज है? एफ क्या है? फोर्स। पी क्या है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। इसे और कैसे लिख सकते हैं? लॉ तो यही है बस। न्यूटन साहब ने बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट कि मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब है? मोमेंटम का चेंज हो सकता है? वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब या तो स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कुछ भी चेंज हो। तो ये तभी हो सकता है जब फोर्स लगे। क्या लगे? फोर्स, तब मोमेंटम चेंज होगा। हाँ, मोमेंटम तब भी चेंज हो सकता है जब मास चेंज हो। क्या चेंज हो? मास, क्योंकि मोमेंटम है mv वेक्टर। तो ध्यान देखो, तो वेलोसिटी में दो चीज, स्पीड और मैग्नीट्यूड, सॉरी स्पीड और डायरेक्शन। क्लियर है एकदम? यानी कि मोमेंटम का चेंज हो सकता है, या तो स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या मास चेंज हो। मास चेंजिंग वैसे आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, इसे पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ मास के एंड में। वेरिएबल मास, क्या चीज? वेरिएबल मास, तब आप इसे थोड़ी सी बात करोगे। अभी हम इसी इन दोनों पे बात करेंगे। क्लियर?
तो अगर हम ऐसा मान लें जो हम अभी पूरे सेटर मास तक पढ़ेंगे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर हम m कॉन्स्टेंट मान लें तो फोर्स क्या लिखा जाएगा, m dv वेक्टर बाई dt। ओहो, अच्छा अभी अभी आप काइनेमेटिक्स पढ़ के आए, dv वेक्टर बाई dt क्या है, क्या चीज है dv वेक्टर बाई dt, एक्सेलरेशन। dv वेक्टर बाई dt क्या चीज है, एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात। यानी कि फोर्स को क्या लिख दिया गया, m into a। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ है m a, नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ ये है, अगर उसमें मान लो कि मास कॉन्स्टेंट है तो क्या आपकी बेसिक इक्वेशन आ जाएगी फोर्स बराबर m a, क्या जाएगी, फोर्स बराबर एम ए, फोर्स बराबर एम ए। बट रियलिटी बताई जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ ये है, एफ बराबर एम ए तब आता है जब हम मान लेते हैं कि एम बराबर कॉन्स्टेंट होता है। हम एम वेरिएबल पे भी बात करेंगे जब हम वेरिएबल मास पढ़ेंगे, किस में, सेंटर ऑफ मास में। तो सेकंड लॉ है वो है एफ बराबर एम ए, क्या है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। ये रहा भाई, लो भाई, बहुत बढ़िया, हमें पूरे एलएम में चर्चा इसी पे करनी है, बराबर एम ए पर, किस पे करनी है, बराबर एम ए पर। अच्छा भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई सिंपल एग्जांपल, शर्म आ गई मुझे कराते हुए, ध्यान से देखो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है क्लियर एकदम 2 किलो का, अगर मैं किसी की मदद से 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या, 10 बराबर 2 इंटू ए, क्या एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, वेरी नॉर्मल। देखो ये एप्लीकेशन है इसकी, इसीलिए हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन आता है, एक्सेलेरेशन आता है तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आती है स्पीड आती है, स्पीड आती है तो डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है तो डिस्टेंस आता है, जो जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, बट होता है यहाँ से। और उसका लॉ है बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ और बेसिक सेकेंड लॉ था, ये अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ, ये हम इस पर बहुत चर्चा करेंगे, पर हम पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन पे, टेंशन पे, इन पे, है ना। चल आओ, आराम से स्क्रीन पॉज करके उतार लो, स्क्रीन पॉज कर लो और उतार लो। अब देखो एक बेसिक बात जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि कोई सरफेस है, ठीक, इस पे एक ब्लॉक रखो, इस ब्लॉक पे अगर अपन सब लोग जानते हो तो नीचे एक लगता है mg, क्या लगता है, धरती माता हमें खींचती है mg, where g is the acceleration due to gravity, where g is the acceleration due to gravity। ओ हो, इस mg को क्या है, ब्लॉक रुका हुआ है, हाँ। इस ब्लॉक को कौन रोकता है, धरती, धरती के इस पे ऊपर फोर्स लगाती है, कितना लगाती है mg, अरे पर किस फॉर्मेट में लगाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल टच करने की वजह से आता है। सो सभी तो टच करके फोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। सोचो एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास में रखो, फिर भी वो बिना टच हुए दौड़ने लगता है, मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट को ले जाओ, बिना टच करे भी उन पर फोर्स लगता है, ये बिना दिखने वाले फोर्सेस हैं। सन और अर्थ क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फिर भी अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स, बिना दिखने वाला फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो टच करने से आए, क्या करने से आए, टच, उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, और जो एक दूसरे कॉन्टैक्ट करके ऐसे फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अच्छा सर, तो नॉर्मल कैसे लगता है, हमने बोला हमारे लिए नॉर्मल की अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो सर जो भी नया फोर्स पढ़ाओ उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझा दो सर आप, है ना। अच्छा, नॉर्मल फोर्स आता है दो बॉडीज के कॉन्टैक्ट की वजह से। मान लो कि ये दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, ये और ये, ये एक बॉडी और दूसरी बॉडी, ये बॉडी इस पे भी नॉर्मल लगाएगी और ये बॉडी इस पे भी नॉर्मल लगाएगी, ठीक, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, फोर्स कैसे लगाएंगे, पहली बात, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस,
अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक सर, ये बात तो मुझे अच्छी लगी, ये बात समझ आई। पर सर ये ए बॉडी ये बी बॉडी पर फोर्स परपेंडिकुलर तो लगाएगी, पर ऊपर की नीचे? गुड क्वेश्चन, अब क्या करें? इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। चमका, मतलब एक तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी बात, वो ऐसे लगेगा, ए वाला बी पर फोर्स ऐसे लगाएगा कि वो बी को कंप्रेस करना चाहेगा। अब सोचो, ए वाला परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस फोर्स लगाएगा, पर ऐसे लगाएगा कि बी को कंप्रेस कर दे, तो ऐसे नॉर्मल। ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो बी भी ए पे लगाएगा, इतना ही। इसे एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, यही बाद में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानेंगे। ये बी भी ए पर इतना ही लगाएगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी ने जो लगाया ए पर। बोलो समका, किसी भी दो बॉडीज के बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका है? नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, और हमेशा ऐसे होती है, और हमेशा ऐसे होती है कि वो बॉडी को कंप्रेस करना चाहती है। क्या करना चाहती है? कंप्रेस। जैसे आप देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगी बात। मान लो दो ब्लॉक है ऐसे रखे हुए, ए और बी। अब सोचो, मान लो ऐसे इन पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो ए और बी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा? सोचो कि ए और बी के बीच की कॉन्टैक्ट सरफेस, अगर हम सारे नॉर्मल रिएक्शन इनके बनाए, तो देखो ए पर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है N1, अर्थ की वजह से ऊपर, ये इधर आ रहा है N1, बोलो क्लियर। ए की वजह से बी पर, इधर N ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे ही N ऑफ बी विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए बी पर ऐसे लगाएगा कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, क्या कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है? कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसे है, तो बी पे इधर और ए पे इधर, बोलो क्लियर एकदम। ऐसे ही अगर हम बी पर बनाए, तो अर्थ की वजह से बनेगा N2 ऐसे, और अर्थ इस पर लगाएगा N2 ऐसे। तो चमका, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इन सच अ वे इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। कभी भी कहीं पे भी कैसे भी आपको नॉर्मल रिएक्शन लगानी हो, ऐसे लगाई जाएगी। मान लो मैं आपको बोलूँ, देखो अभी देखो, कई सारे आपको डायग्राम बनाने होंगे। मान लो मैं आपको बोलूँ कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ए ये बी, ठीक। तो ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगी, हमें क्या सिखाया? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर ए बी पे ऐसे लगाएगा कि बी को कंप्रेस करे, तो नॉर्मल ऐसे, बी की वैसे ऐसे। बोलो क्लियर एकदम, पक्का? नॉर्मल रिएक्शन की बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक, पक्का एकदम सच्ची। चलो चलो बोर्ड पे जो भी लिखा है उतार लो, दो मिनट अपनी स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। और देख, ऐसे हम टेंशन की बात करें, टेंशन टेंशन किसमें आती है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग हम अभी कैसी लेते हैं? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसे लंबा नहीं करा जा सके, खींचा नहीं जा सके, है ना। और अभी जो हम लेंगे ना, वो जनरली हम मासलेस भी लेते हैं, ठीक। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी। सोचो मैं इसको ऐसे ले जाऊं फोर्स लगा के, तो यहां टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि बी को कौन खींचेगा? टेंशन ही तो खींचेगा। अब है ना, अपनी स्ट्रिंग को स्प्रिंग की तरह मानो। कैसे मानो? स्प्रिंग। सोच, पहली बात, टेंशन डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग,
एक बात तो क्लियर हुई कि भाई टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी। कैसे होगी? अलोंग द स्ट्रिंग, और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। ऐसे नहीं परमानेंट द स्ट्रिंग आ गई, हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी, इसमें कोई शक दोहराए वाली बात नहीं है। तो हमेशा उसे अलोंग द स्ट्रिंग ही रखना है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अलोंग द स्ट्रिंग ही रखना है। अब अलोंग द स्ट्रिंग कैसे? पहली बात समझे अपन कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन ऐसे बनाया जाता है। देखो ऐसे, ये टी फोर्स जिसे हम टी से डिनोट करते हैं टेंशन, ये एरो किस पे डायरेक्शन दिखा रहा है? ए द्वारा स्ट्रिंग पे कि स्ट्रिंग द्वारा ए पर? दिस डायरेक्शन शोज फोर्स ऑन ए ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक, यानी कि अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग का डायग्राम बनाऊं तो ए वाला ब्लॉक फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू ए इधर, दिस इज फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू बी इधर, क्योंकि ये दोनों पूरी स्ट्रिंग मासलेस है, तो क्या ये फोर्स ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड क्या बराबर होगा? होगा नहीं होगा, क्योंकि मास जीरो है। तो स्ट्रिंग पे एफ बराबर एम ए, एम जीरो, तो क्या नेट फोर्स बराबर होना चाहिए? और बेसिकली ये जो फोर्स आता है जब इस स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, तो स्ट्रिंग वापस इतना ही फोर्स पीछे लगा देती है ना, अंदर ही अंदर वो ही टेंशन के रूप में डेवलप होता है ऐसे। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि जितना फोर्स ए लगाता है स्ट्रिंग पे उतना ही फोर्स स्ट्रिंग लगाती है ए पे, तो वो ऐसे डिनोट करते हैं टी टी। बेसिकली स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे डेवलप होता है कि इट ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन ऑलवेज, पहली बात, टेंशन डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग इन सच अ वे टू रिड्यूस लेंथ। चमका एकदम, रिड्यूस लेंथ, कोई खास बात नहीं है, समझ में आ गया। देखो ऐसे ले लो, ऐसे ब्लॉक ले लो, सोचो इस ए ब्लॉक पे टेंशन कितना लगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऑब्वियसली ऊपर, खत्म। तो टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। कैसे लगती है? अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, और ऐसे लगती है कि वो हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करना चाहती है। क्लियर है एकदम? तो ये बेसिक बात थी नॉर्मल और टेंशन की। अब क्या कभी कभी हमें एक चीज बोली जाती है जिसे बोलते हैं एफबीडी। क्या बोलते हैं? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बातें करते हैं। क्या बात होती है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम का सिंपल सा मतलब इतना है, देखो समझे उसको। फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है कि बेसिकली कोई भी बॉडी हो उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हो इधर उधर से, उन सबको मार्क कर लो उस बॉडी पर, उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आओ समझ आ जाएगा। मान लो एक सिस्टम लेते हैं, ये अर्थ, ठीक, एक ही इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, इसके ऊपर ये सी ब्लॉक रखा हुआ। बोलो क्लियर, पक्का? अब बोलो ए का एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ? ए का एफबीडी, बोले ए पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको दिखा दो, उन सबको दिखा दो। तो लो ए पर देखो कौन कौन फोर्स लगा रहा है, क्या अर्थ लगा रही है? हाँ, किधर लगा रही है? ऊपर, एन वन, ठीक, अर्थ ने लगाया। बी किधर लगाएगा? लेफ्ट राइट, किधर लगाएगा? लेफ्ट, ये एन ऑफ अर्थ था, एन ऑफ अर्थ, बी ने इधर लगाया, सीने सीने नीचे एन सी, और किसी लगाया, और किसी लगाया? हाँ, अरे अर्थ भी तो खींच रही थी कितने से, एम जी, क्या एम जी वो ग्रेविटेशनल फोर्स है?
कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो भी तो लग रहा था, वो दिख नहीं रहा था। ध्यान से देखो तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कॉन्टेक्ट फोर्स, ये कॉन्टेक्ट फोर्स, पर mg कौन सा फोर्स? वो नहीं दिखने वाला जो अर्थ खींचती है। तभी तो हम बॉल ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाती है बिना पकड़े भी, है कि नहीं है? तो वो तो mg तो रहेगा ही, तो mg नीचे। ये इस बॉडी का FBD है, FBD ऑफ A, ताकि हम इसकी पूरी एनालिसिस कर सके। इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर बॉडी टू एनालाइज द एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर वे। दिस इज बेसिकली FBD, दिस इज बेसिकली FBD। तो आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आएगा। क्या FBD की बात समझ में आई? पक्का सोच लो एकदम, चलो उतार लो, उतार लो FBD का क्या मतलब है। बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हो, मैं बेसिकली अपने को, क्योंकि NLM में करने सवाल ही होते हैं, तो मैं आपको सवालों से स्टार्ट करते हैं। FBD की बात आप समझ गए, डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल बेसिक, शर्म आ गई मुझे, ऐसा सवाल। 5 किलो फोर्स लगाया, 10 न्यूटन एक्सेलरेशन बताएं। सब लोग जानते हैं 10/5 2 m/s². इससे थोड़ा अपर लेवल का सवाल, एग्जाम्पल रफ्तार तेज है क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। मैं बोलूँ आपको 5 किलो फोर्स लगाया ऐसे, 10 न्यूटन एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री, बताओ एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात, पहले हम सोचें कि ये जो 5 किलो की ब्लॉक है ये कैसे चल सकता है। क्या ये हवा में उड़ सकता है? नहीं। क्या ये जमीन में घुस सकता है? नहीं। क्या ये चलेगा तो अलोंग द सरफेस ही चल सकता है? इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा, या तो इधर या इधर। पर इधर तो जाहिर सी बात है हमें लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि हमने फोर्स ऐसे लगाया है, कॉमन सेंस। एक्चुअली ये हमें पता पड़ा कंस्ट्रेंट से, हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कई बार कंस्ट्रेंट से पता पड़ेगी। कहां से पता पड़ेगी? कंस्ट्रेंट से। हाँ बिल्कुल पता पड़ेगी हमें कंस्ट्रेंट से, ठीक भाई। तो हमने ए ले लिया, 10 न्यूटन 37 डिग्री, 5 kg, अच्छा बहुत बढ़िया, अब क्या करें, बहुत सुंदर, देखो भाई बस अब FBD बनाओ जो मैंने अभी सिखाया, FBD सिखाया सर ने, ठीक 5 kg, ठीक। अब हमें फोर्सेस रिजॉल्व करने आते हैं जो हम सीख चुके हैं वेक्टर में, 10 का इधर कंपोनेंट 8, इधर 6, mg नीचे लग रहा है, जी के लिए 10 लेते हैं 50, नॉर्मल ऊपर ड्यू टू अर्थ कॉन्टैक्ट फोर्स, बोलो क्लियर। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं। आप सोचो क्या इधर कोई एक्सेलरेशन है? इधर कोई एक्सेलरेशन, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू 50, इधर एक्सेलरेशन है, नॉर्मल की वैल्यू 50 नहीं, सॉरी, नीचे कितना फोर्स? 50 + 6, यानी कि n = 50 + 6, 56 न्यूटन, 56 न्यूटन। अब इधर एक्सेलरेशन है? हाँ है। कितना फोर्स लग रहा है इधर? F = ma, यहां पे a है, यहां पे तो a 0 था, x एक्सिस में अलग और y एक्सिस में अलग। क्या आप F = ma अलग अलग x एक्सिस में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों, वेक्टर क्वांटिटी, तो x में अलग लगा लो और y में अलग लगा लो, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला F = ma, f कितना? 8/5 × a, a की वैल्यू कितनी आई? 8/5, कोई दिक्कत, पक्का, सिंपल। और देख एक और सवाल, ऐसे कोई बहुत सारे नहीं कर रहा, सिंपल सा देख लो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ब्लॉक है 2 किलो का, ऐसे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, 37 डिग्री पे, ऐसे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन 53 डिग्री पे,
बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा, स्क्रीन पॉज करो, दो मिनट सवाल करो। चलो सुनो सॉल्यूशन, FBD बना लो। देखो नीचे 20, 50 का इधर कंपोनेंट 40, इधर 30, 20 का इधर कंपोनेंट 16, इधर 12, ऊपर नॉर्मल, नीचे MG तो लगी है, सॉरी और कुछ तो नहीं रहा, नहीं सब हो गया। वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कंस्ट्रेंट है, या तो इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा। चलो वर्टिकल में बैलेंसिंग करते हैं। नॉर्मल इक्वल्स टू 20 प्लस 30 प्लस 16, नॉर्मल आ गया। एक्सेलरेशन देखो, इधर है 40, इधर है 12, 40 ज़्यादा तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो क्या लिखा जाएगा, 40 माइनस 12 बराबर 2 इंटू ए, ए बराबर 40 माइनस 12 कितना 28, 28 बटे 2 कितना 14, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने भी फोर्स लगा दूं, क्या आप FBD बना के सवाल कर सकते हो? आप FBD बना के सवाल कर सकते हो, करते रहो, बहुत सवाल कराए जा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। लो चलो और देखो, उतार लो स्क्रीन स्टॉप करके, है ना, और सुनो। मान लो कि हम इंक्लाइंड पे ले लें एक ब्लॉक को, कोई खास बात नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो इधर 2 kg, ये थीटा समझे, कोई भी अपन तो m मास ले लेते हैं। यहाँ से देखो तो m क्या नीचे लग रहा है, mg कितना लग रहा है, mg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, mg नीचे नॉर्मल ऐसे, क्या ये कंस्ट्रेंट है, अगर चलेगा तो ए से ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल, ये नीचे mg लग रहा है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्या n बराबर mg cos थीटा, क्या इधर की तरफ mg sin थीटा है, क्या mg sin थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, m ने m को मार दिया कि एक्सेलरेशन आया g sin थीटा। अगर एक सिंगल ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे ले लें तो क्या एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आएगा, सिंपल, जो अपने करा वही तो है, टेढ़ा रख दिया बस, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज सिंपल, सिंगल ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, सिंपल सिंगल ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम थोड़े मल्टीपल मल्टीपल ले लेते हैं, आओ देखो। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे ऐसे और ऐसे तीन ब्लॉक हैं, 2 kg, 4 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, बोलो क्लियर, ठीक। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 and 5। स्क्रीन स्टॉप करो, निकालो सब लोग, स्क्रीन स्टॉप करो, निकालो सब लोग। चलो अब सॉल्यूशन सुनो, ध्यान से देखो, क्या 2, 3 और 5 क्या तीनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा या अलग अलग होगा? एक ही, कंस्ट्रेंट है, ये ऐसे चलेगा तो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो ए मान लो, अगर ए मान लिया तो क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू अ ब्लॉक 10 kg? यस। कितने न्यूटन? 50, ठीक। क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज 50/10? 5, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, 5 m/s², बिल्कुल सही। तो 5 kg पे सोचो, 5 kg का FBD बनाओ, 5 kg पर का एक्सेलरेशन कितना, 5, बिल्कुल सही बात। पर 5 kg पे 5 ला कौन रहा है, 3 kg जो फोर्स लगा रहा है, क्या दिस इज नॉर्मल ऑन 5 due to 3? इसके अलावा इस पर और कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स, वर्टिकल में है पर हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स, तो इस 5 को लाने के लिए क्या यही नॉर्मल रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है? तो नॉर्मल रिएक्शन 5 3 = 5 × 5, दैट इज 25 न्यूटन।
दैट इज 25 न्यूटन। बोलो क्लियर है एकदम पक्का? ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई खास बात नहीं है।